CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कहानी संवदिया। ये कहानी है हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण उन्होंने आम आदमी की विवशता और वेदना को स्वयं अनुभव किया है और उसे पूरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त किया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल सूचना भेजने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की गति बहुत ही तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों में भावनात्मक संबंध नहीं पैदा कर रही हैं, जो पुराने समय के तरीकों में हुआ करता था। यूं तो संवदिया की भूमिका आज के समाज में महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, पर अपने समय के परिप्रेक्ष्य में संवदिया यानी संदेशवाहक की एक अहम भूमिका रही है। संवदिया कहानी नारी मन की पीड़ा, कोमल भावनाओं, करुणा और दुख को बड़ी सूक्ष्मता से स्पर्श करती है। आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई? हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया। आ गए भैया। हाँ। लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ। हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गए। तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है? अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ। अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ लो। देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। हर गोविंद भाई। हाँ? तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना? कहाँ बड़ी बहुरिया? मेरी माँ के पास। माँ के पास? कहिए क्या संवाद है? माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? बड़ी बहुरिया, हाँ।
हरगोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना। ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए, अरे हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा, संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है। भाई साहब, हाँ, थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। अच्छा, हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा। तो कितना समय और लगेगा? अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे। हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, कब तक जीऊँ? बड़ी बहुरिया, हम क्या करें? हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया। माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं। पाए लागू माँ जी। जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है? जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। मेरी बेटी का कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि
हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। सो तो है। अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है। अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है। नहीं 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 माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी। हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो। अच्छा अच्छा माँ जी। अरे हर गोबिन, क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ? हर गोबिन ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिन के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिन को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा। माँ जी अब आज्ञा दीजिए। अरे मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैन लागू। जीते रहो बेटा, अब चलता हूँ। क्यों भाई, रहा खर्च तो है? अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है। अच्छा अच्छा राम राम। राम 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 राम। हरगोबिन के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़, टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान।
भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा। हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है? बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो। कहे? मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ। हरगोबिंद भाई, मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं। हरगोबिंद भाई, तुम मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना? नहीं 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 जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित एक कहानी संवदिया। अध्यापक ऐसी ही और कहानियों के द्वारा विद्यार्थियों में उनकी परंपरा के प्रति जुड़ाव के साथ साथ संबंधों के प्रति संवेदनशीलता भी जागृत कर सकते हैं। तो ये थी कहानी संवदिया। विषय संयोजक प्रोफेसर संध्या सिंह, प्रोफेसर नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। वाचन स्वर डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, शमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा और नीरज शर्मा। ध्वनि अंकन बटिलांग लिंगदो। आभार अजीत होरो। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।